ओम ज्ञानतिम रामदस्य ज्ञानं सलभ्य चक्षुर्निमीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै स्तदाले कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद बलहरि कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोदर सत श्री 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 माधभक्ति स्वरूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज के चरण कमल अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोदर सत श्री 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 माधभक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरणों सरजु श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। वैष्णव वैष्णवी सभी को मैं चतुर्जी को प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्णा। प्रभुपाद को किसने प्रश्न किया, वास्तव में मंगल का रास्ता क्या है? मंगल का रास्ता है क्या चीज? तो प्रभुपाद उसको उत्तर देते हैं, संपते विपते भगवान शरणापति एकमात्र मंगल रास्ता। कभी संपत्ति हो और कभी विपत्ति हो, कहते उभय अवस्था में क्या करनी चाहिए, भगवान के चरण में हमारी शरणागत होनी चाहिए। ऐसे नहीं संपत्ति आ जाए इतनी खुश हो गई, इतनी खुश हो, और विपत्ति आ गया बात उसमें मुरझा जाते हैं। दोनों अवस्था में क्या करनी चाहिए, भागवत में जो श्लोक है अक्लिमेव मतिर्भुक्त्या धियामेव हरि स्मरे अलब्धेवा विनष्टेवा भक्त्य आच्छादने साधने अक्लिमेव मतिर्भुक्त्या धियामेव हरि स्मरे। इसलिए संपत्ति हो और जीवन में विपत्ति हो क्या करनी चाहिए, बुद्धि को विकृत नहीं करते हुए हर समय भगवान को स्मरण करनी चाहिए। अगर विपत्ति आए तो क्या समझनी चाहिए, हमारी प्रारब्ध पाप नष्ट हो रहा है। और संपत्ति आए तो जीवन में क्या चाहिए, हमारे पुण्य नष्ट हो रहा है। अब बताओ हम कोई पुण्य नष्ट करना चाहेंगे ना पाप को नष्ट करना चाहेंगे? पाप नष्ट करना चाहते, कोई भी पुण्य नष्ट करना नहीं चाहते हैं, लेकिन ये पाप नष्ट होगा कैसे? पाप तभी नष्ट होगा भोगा करके तो पाप नष्ट हो रहा है। अगर पाप दुख आ रहे हैं ये समझनी चाहिए हमारे पाप सब खत्म हो रहा है और आगे जीवन में सुख में आनी चाहिए। इसलिए विपत्ति हो संपत्ति हो उभय अवस्था में कदम भगवत स्मरण को हमें नहीं भूलनी चाहिए। इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं ज्ञाने प्रयास उदपास्य नमंत एव जीवंती सन्मुख रीतं भवदीय वार्ताम स्थाने स्थितां श्रुतिगतां तनुवांग मनोवी जे प्रायसो अजीत जितो अपि त्रैलोक्यम। भगवान का एक नाम अजीत, अजीत मतलब जिनको जितना बड़ा कठिन है, जिनको पाना बड़ा कठिन है। अभी प्रश्न होता है क्या फिर वो मिलेंगे नहीं, कोई उनका नाम ही अजीत है जो उनको जीत नहीं सकता है, फिर क्या उसको जीतने का कोई उपाय नहीं। बोले हाँ, बोले क्या उपाय, बोले सारे अभिमान को त्याग दो है। इसलिए ज्ञान प्रयास उदपास्य, बोले ज्ञान का प्रयास अगर त्याग दे देंगे, बगैर ज्ञान के शास्त्र कहता है संसार से कोई भी पार हो सकता है, ये तो ज्ञान चाहिए। कौन सा ज्ञान, जैसे भक्ति देवी जी दो बेटे थे, एक ज्ञान और एक वैराग्य। यह जो ज्ञान है तत्व ज्ञान है, भगवत संबंधी तत्व ज्ञान है। शास्त्र कहता है बगैर तत्व ज्ञान के तुमको संसार से पार नहीं होता, लेकिन आप कह रहे हो ज्ञान प्रयास उदपास्य, ज्ञान का प्रयास हो संपूर्ण रूप में त्याग दो, फिर करनी क्या चाहिए, बोले सन्मुख ही तब भवदीय वार्ता। भक्तों के श्री चरण में बैठ करके भगवान और उनका भक्त ये दोनों कथा सुनते हैं। जब हम कथा सुनेंगे ना
कथा सुनते 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 अपने आप ज्ञान हो जाए। अलग रूप में कोई ज्ञान अर्जन की जरूरत नहीं, कथा सुना कथा सुनते सुनते अपने आप ज्ञान हो जाए। जैसे हमारे भक्ति वेदांत श्रीला नारायण गोस्वामी महाराज, उनको श्री चरण में जो आए कुछ नहीं, केवल उनकी पास में केवल कथा ही सुनते, पास कथा सुनते 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 अपने आप ज्ञान हो जाए अपने आप है। इसलिए हम लोग सीखे कहाँ से, गुरु जी से कथा सुनते 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 बस अपने आप ज्ञान हो। इसलिए बोले सन्मुख रीत भगवदीय वार्ताम, बोले भगवत और उनको भक्त इन दोनों की कथा सुनते रहो। भगवदीय बोले स्थानीय स्थिता श्रुति गतांग तनुभांग, जो कथा सुने किसी स्थिति में, बोले स्थानीय स्थिता, स्थानीय स्थिता मतलब भगवान संपत्ति में रखे, नहीं तो भगवान हमें विपत्ति में रखे। जिस अवस्था में रखना हो ठाकुर जी हमें जिस अवस्था में रखे, उसी अवस्था में रह करके भक्ति करो। कोई कहता नहीं अरे अभी छोरा छोरियों की शादी हो जाए हैं, जब सारे काम से निपट जाएंगे ना फिर तो खूब भक्ति करेंगे मन लगा के, तभी तो बहुत सारी चिंता है। सब जब काम निपट जाएगा, बोले खुद निपट जाएंगे, ये काम कभी नहीं निपटेगा हैं, ये काम कभी निपटता नहीं। एक तो बात दूसरी, हम सोचते हैं बेटा का शादी हो जाएगी ना फिर तो घर में बहू को रखकर खूब घूमने जाएंगे, वहाँ घर में जो बहू आ गई अगर इधर उधर जा बेटा बोलेगा बहू कौन देखेगा, अगर नाती पति हो जाए तो डोकर घूमती रहती घर में, जो बच्चे को कौन पकड़ेगा। बल्कि और ज़्यादा पहले जो थे ना, हम देखना धीरे धीरे और ज़्यादा माया में फंस जाते हैं, ज़्यादा ही माया में फंस जाते हैं। जितने प्यार निकालने शुरू करोगे उतना ही हाँ दलदल में फंस जाओगे। इसलिए बोले स्थानीय स्थिता, भगवान तुम्हें जिस अवस्था में रखे उसको क्या समझो। इसलिए हमारे भक्ति विज्ञान भक्ति विवेक भारती गोस्वामी महाराज का एक वजह से वो कहते हैं जिस स्थिति में रहने पर हमारे मंगल होगा ठाकुर हमें उसी स्थिति में ही रखे। अभी जिस स्थिति यही समझो भगवान की कृपा ही है, भगवान किसी अवस्था में रखने पर भगवान हमें उसी अवस्था में रखे। उसी अवस्था में रह करके क्या करो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, भगवान की भजन करते रहो, ठाकुर जी की भक्ति करते रहो। बोले स्थानीय स्थिता, दूसरा अर्थ कहते हैं रहेंगे कहाँ पर, बोले संतों की शरण में, संतों की श्री चरण में रहो, जहाँ पर भगवान की कथा रूपी मंदाकिनी की नदी रहती है उसमें ही गोता लगाते रहो हैं, उसमें स्नान करते रहो, इधर उधर ज़्यादा घूमना नहीं, संतों की कथा रूपी गंगा में गोता लगाओ हैं। इसलिए वो कहते हैं भैया जितने ज़्यादा घूमेंगे ना मन और भी ज़्यादा घूमने की इच्छा करेगी हैं। इसलिए बोले गौरव अमार जैसव स्थानी करल भ्रमण रंगे से सब स्थान हेरवामी प्रणय भक्त, बोले अगर जाओ अकेला नहीं वैष्णव का आनंद लेते, बोले गौरव अमार जैसव स्थानी, बोले महाप्रभु ने जहाँ जहाँ उन्होंने लीला की भ्रमण की कैसे जाए, बोले प्रणय भक्त संगे, प्रणय प्रेमी भक्तों के साथ में वो स्थान में जाओ है, वो स्थान में जाओ, अकेले अकेले नहीं घूमना है, इधर गए इधर गए इधर गए जितना घूमोगे और घूमने की इच्छा करेंगे, भक्तों की अनुगत में हरि कथा के द्वारा भ्रमण करनी चाहिए। इसलिए स्थानीय स्थिता मतलब भगवत कथा रूपी मंदाकिनी नदी में गोता लगाते रहो। हाँ श्रुति गतांग तनभांग मन भी क्या करो, भगवान की कथा सुना, काय मन और वाक्य तीनों को द्वारा भगवान की कथा सुनो। बोले कथा तो कान से सुनते हैं, कहते काय मन और वाक्य, बोले शरीर से कथा कैसे सुने, कथा तो मन से सुनते हैं ना, बोले शरीर से सुनो, शरीर से मतलब जहाँ पर हरि कथा हो रही है जाकर क्या करो, उस स्थान को प्रणाम करो, जो कथा श्रवण कर रहे हैं उनको भी प्रणाम करो, जो कथा कर रहे हैं उनको भी प्रणाम करो हैं, प्रणाम करते हुए वहाँ पर बैठो। इसलिए तन बांग मनोवी और वाणी को द्वारा जो कथा सुना दूसरों को भी कथा सुनाओ, और तन बांग मनोवी और मन को द्वारा तो सुननी चाहिए, मन को द्वारा सुननी चाहिए, मन नहीं रहेगा तो कथा सुन ही नहीं सकते हैं।
इसलिए तनवांग जो बोले जे प्राय स अजीत, कहते जो प्राय करके जिनको जितना बड़ा कठिन है, लेकिन ऐसे जो भगवान हैं क्या हो जाएगी, बसभूत हो जाएगी। इसलिए यहाँ प्रभुपाद कहते हैं मंगल का रास्ता क्या है, बोले मंगल का रास्ता यही है संपद में विपत्ति में, भगवान शरणापति एकमात्र मंगल का उपाय, कृष्ण निश्चय रक्षा करीबे ए शरणागति छेड़े दिए निजे रक्षा करता साजिले गले सर्वनाश। भक्तों की भावना क्या रहता है, बोले अवश्य रखी हुए कृष्ण विश्वास, ये विश्वास रहनी चाहिए भगवान जरूर हमें रक्षा करेंगे ही, ठाकुर जी हमें रक्षा करेंगे। ये शरणागति छेड़ दिए, अगर ये शरणागति को छोड़ करके कहते निजे रक्षा करता साजते गले सर्वनाश, अगर हम ये समझने लग जाए अरे हम खुद को खुद रक्षा करेंगे भगवान रक्षा करेंगे तो करेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं, कहते नहीं भैया सर्वनाश रक्षा करने वाले तो वही है, वही हमें रक्षा करने वाले, इसलिए ये पूर्ण रूप में ठाकुर गोपाल में विश्वास रखो। बोले सर्वत भावे कृष्ण निर्भर कर ले मंगल, कहते हमारा मंगल कैसे है, जब मंगल तभी है जब संपूर्ण रूप में कृष्ण गोपाल में हम निर्भर करते हैं, ठाकुर जी रक्षा करने वाले आप ही हो और कोई हमें रक्षा करने वाले नहीं। इसलिए न तो बार जन्म जन्म दुख हो करता है वे, बोले एक जन्म नहीं, नहीं तो जन्म जन्मांतर हमें दुख कष्ट होना पड़ेगा, पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठर से, पुनर्वार जन्म पुनर्वार मृत्यु पुनर्वार जन्म पुनर्वार मृत्यु, इसी चक्कर में हमें पड़े रह जाना पड़ेगा। इसलिए आश्रित संकल्प भाव ग्रहण करें, जो भगवान के चरण में आश्रय लिए हुए, भगवान के चरण में जो केवल आश्रय लिए हुए, आश्रित संकल्प भाव ग्रहण करें, भगवान उसका हर भाव को ठाकुर जी ग्रहण करें, उसकी हर भाव को जिस भाव से भगवान की भक्ति करें ठाकुर जी सारे भाव को ठाकुर जी ग्रहण करते। एखन अमरा आश्रित होंगे ही हलो प्रभुपाद कहते क्या करो, अभी हम भगवान के चरण में आश्रय लेंगे। जैसे श्री माधवेंद्र पुरी दिन भर क्या करते थे, वो कहीं मांगने ही नहीं जाते थे, खाने भी कहीं मांगने नहीं जाया करते थे, दिन रात हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, भजन करते थे और उनको ये पूर्ण विश्वास था, क्या पूर्ण विश्वास था, ठाकुर जी हमें जरूर पालन करेंगे, जो चिट्ठी से लेकर के हाथी तक पालन करते हैं, हम जिनकी चरण में आश्रय लिए और जिनकी चरण में अशोक अभय अमृत है, हैं दुनिया को जो रक्षा क्योंकि हम पालन नहीं करेंगे, उनको ये पूर्ण विश्वास था, ये पूर्ण विश्वास था। इसलिए एक दिन क्या हुआ, कभी कभी किसी ने कोई प्रसाद दे दिया खा लिया, नहीं दिया तो खाए नहीं, एक दिन बैठ कर हरिनाम करते करते आज भी भोजन ही नहीं मिला, जो भोजन नहीं मिला तो वो क्या हो रहा है, उस समय भगवान को चिंता लग गई, क्योंकि भगवान खुद प्रतिज्ञा किए है अनन्न चिंतन तमाम चे जनाहा परिजुपासते ते सांग नित्याभियुक्ता नाम योगा क्रम भाव कृष्ण स्वयं, जो केवल मेरे चरण में एकांत रूप में आश्रय लिया है उसका सब कुछ दायित्व मैं बन करता हूँ, हैं ठाकुर जी भाई भगवान को चिंता लग गया, ठाकुर जी को चिंता लग गया, बोले क्या चिंता लग गया, अरे भक्त भूला बैठा, लेकिन मैंने क्या प्रतिज्ञा की, जो मेरे शरण में आता है उसको मैं रक्षा करता हूँ। तो एक समय क्या हुआ, एक समय ब्रज में जैसे संत लोग रहते और घर घर में जाकर माधुरी की भिक्षा करते और उसी से ही पेट पाल करके रातदिन हरिनाम करते हैं। एक दिन क्या हुआ, जिस समय कि संत लोग निकलेंगे माधुगिरी के लिए जैसे ऊपर में जाएंगे घर घर में, ठीक उसी समय में आंधी तूफान आ गए, अभी हो जाएंगे कहाँ, आंधी तूफान बारिश हो रही बड़ी जोर से, और तो घर में बैठ बैठ कर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इधर तो पेट में चूहे कूद रहे हैं, अभी भूख, लेकिन अभी करें क्या, जाएंगे कैसे, हैं जाएंगे कैसे,
हम लोग निकल नहीं पा रहे हैं घर से। इधर इधर क्या हुआ, राधा कृष्ण दोनों दोनों को अपना तोते को द्वारा बताई गई, देखो हम इस स्थान पर हम आज कुंज में हम दोनों मिलेंगे। अभी श्याम सुंदर आकर के बड़े सुंदर कुंज बनाए, कुंज बना करके भगवान बैठ गए, श्री राधा रानी आई, लेकिन राधा रानी आई नहीं रही, राधा रानी आई नहीं रही। कृष्ण बोले क्या बात है, कृष्ण कभी बाहर जाते हैं अंदर आते हैं, कभी बाहर देखते हैं हाथ नहीं है, अगर पत्ते अगर खड़खड़ शब्द हुए बोले शायद राधा रानी आ गई, लेकिन कृष्ण इधर चंचल है। और राधा रानी हैं, इतने में राधा रानी ने किया कि देखा भक्त लोग घर में बैठे भजन कर रहे हैं, आज तो भूखे हैं। राधा रानी स्वयं अपने हाथों से रोटी बनाई, सब्जी बनाया, चावल बनाए, दाल बनाई, और भक्तों को घर में जा करके राधा रानी सबके भक्तों को दे करके देते देते राधा रानी की हो गई देर। जब देर हो गई, बड़ी देर में राधा रानी आई, आई तो कृष्ण मुँह मुड़ कर बैठे मान कर। तो राधा रानी कह रही है भैया ये महापुरुष को क्या हो गया, सखियाँ कह रही हैं हरी को देख कितना समय हो गया, कितने बजे तुमने बोली थी आने के लिए, हैं तो घड़ी में कितना समय हो रहा है, अब कितने समय में आ रहे हो। तो राधा रानी बोले हे श्याम सुंदर, आप ही तो गीता में प्रतिज्ञा की है ना, जो व्यक्ति अनन्य रूप में मेरे भक्ति करता है उसका शब्द है तो मेरे ऊपर, जो चीज़ घर में नहीं मैं स्वयं पहुँचाता हूँ, और जो चीज़ है मैं स्वयं रक्षा करता हूँ, आप ही तो बोले ना। हाँ आज क्या हुआ आपको पता है, बोले क्या हुआ, बोले तेरे भक्त बैठे हुए थे भजन कर रहे थे, और जिस समय माधुगिरी का समय हुई जिसमें घनाघोर बारिश आई और कोई भी घर से निकल नहीं पाए, सब भूखे बैठे हुए, और मैंने स्वयं रोटी सब्जी दाल चावल बना कर घर घर में खिला करके आए हूँ, प्रतिज्ञा किया था आपने, और मैं जाकर खिला करके आए। इतना जो बोले ना कृष्ण तो पानी पानी कृष्ण हो गए, बोले हे राधे तू तो जगत का माँ हो, माँ क्या करती है, जब तक तो बच्चों को खाना नहीं खिला देती है ना माँ कोई भजन नहीं करती है, जगत का माँ तो तुम हो, तब तो कृष्ण एकदम तो प्रसन्न हो। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं यहाँ पर, आश्रित आश्रित वत्सल, जैसे श्री माधवेंद्र पुरी हैं, भगवान स्वयं जब देखा बैठ करके भजन कर रहे हैं, ठाकुर जी स्वयं मिट्टी के पात्र में दूध लेकर के आते हैं, बोले माधवेंद्र लो ये दूध पिया करो, आपको कैसे पता चला मैं भूखा हूँ, देखो ये ब्रज में कोई भूखे नहीं रहते हैं, कोई तो मांग कर खाते हैं, तो जो नहीं मांग कर खाते हैं मैं स्वयं उनको खाने की व्यवस्था करता हूँ, या फिर कुछ माताएं कुएं में पानी भरने के लिए आई थी, पानी भरने के लिए आई थी, और उन्होंने बताया तुम यहाँ पर भूखे में बैठे हुए हो, इसलिए मैंने ये दूध लेकर गया, दूध पी लेना, मैं जा रहा हूँ गैया चराने के लिए, और वापस जाते समय पात्र में ले जाऊँगा। जो उन्होंने दूध पिया ना, इतना स्वाद इतना टेस्ट जीवन में कभी भी उन्होंने इतने सुंदर दूध कभी पिए ही नहीं, उनको पी कर तो उनको रोम रोम खिल उठा। अभी जब भजन करते करते थोड़ी सी झपकी आई, झपकी आई तो फिर वही बालक आया, आ करके बोले देखो बाबा मैं बज्रनाभ को द्वारा स्थापित मैं गोपाल हूँ, ये जंगल में पड़ा हुआ हूँ, मुसलमान का डर से मेरे भक्त लोग भी जंगल में छोड़ कर चले गए, उनका हाथ पकड़ कर गया, बोले देखो यहाँ पर पड़ा हुआ मेरे को यहाँ से निकालो। जब उन्हें झपकी आई, जब ठाकुर का दर्शन किया नींद खुल गया, नींद खुल गया तो लोग छलिया नहीं तो छल गया, वो आया दूध लेकर मैं उसको पहचान नहीं पाया। फिर तो उन्होंने सारे गांव वासियों को बुलाए, बोले तुम्हारे गांव की देवता जंगल में पड़े हुए हैं, चलो वहाँ से निकालेंगे, फिर वहाँ से श्री गोपाल जी को वहाँ से निकाले। इसलिए यहाँ कह रहे हैं आश्रित वत्सल भगवान आश्रित रे सकल भारी ग्रहण करें, तो अगर कोई भगवान की चरण में आश्रय लेता है ना, भगवान भक्त वत्सल है, भगवान क्या करते हैं जो सचमुच से जो उनकी चरण में आश्रय लिया है, यहाँ पर कह रहे सारे भार को ठाकुर ग्रहण करें। अगर खुद को हम समझ गए भैया अभी हमको पता नहीं भविष्य में कौन खिलाएगा पिलाएगा, अभी हमको क्या करना है नहीं करना, अपना कुछ व्यवस्था करके रखनी चाहिए, अगर कोई कुछ नहीं किया ना
फिर तो क्या करते हैं हम स्वयं भगवान बोले भैया तू तो मेरे ऊपर में आश्रित है ही नहीं, तू तो पैसा के ऊपर तुम्हें आश्रित है, भैया जाओ देखो पैसा ही तुमको देखेगा, नहीं तो नौकरी चाकरी करके फिर हम खाएंगे पिएंगे, नहीं तो नहीं तो हमको कौन खाना खिलाएगा। तो भगवान के खूब नौकरी करा और खूब खाओ पियो, भैया मेरे ऊपर तेरे तो विश्वास है ही नहीं। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं जो भगवान चरण में आश्रय लेते सकल भार भगवान ग्रहण करे, हैं सकल भार ही ग्रहण करे। भगवान खुद कहते हैं जो भक्त सारा जीवन मेरी सेवा करता है जब वृद्धावस्था में वो मेरा सेवा नहीं कर पाता है मैं उल्टा उसका सेवा करता हूँ, भगवान उसका उल्टा मैं सेवा करता हूँ भगवान की प्रति। एक होना हमारा आश्रित हो ले हलो कहते अभी क्या करो भगवान चरण में आश्रय ले लो। देखो कलो मुँह से बोलने को नहीं अब सुन लिया ना ठीक है आज से हम भगवान की आश्रय ले भगवान की आश्रय नहीं जो आश्रय लेगा करेगा क्या 26 घंटा में 26 घंटा उल्टा ही भजन करना पड़ेगा ऊंचा भक्ति करनी पड़ेगी। हम भगवान के चरण में आश्रय लिया कर रहे हैं और कुछ काम नहीं उसका आश्रय नहीं कहते हैं उसका आश्रय नहीं कहते आश्रय उन्हें ख्या तेरी अव्यर्थ कालतम विरक्तिमान सुन्नता गुण आनी चाहिए हाँ। इसलिए इस नौ गुण तुम्हारे अंदर में आनी चाहिए संपूर्ण रूप में भगवत चिंतन भगवत कथा भगवत भजन 26 घंटा में 26 घंटा उनमें ढूंढना पड़ेगा तब इसको आश्रित कहते हैं। बोलो बोलने से नहीं होगा बोलने से नहीं होगा। यहाँ पर कह रहे हैं किसी ने पूछा प्रभु भक्त कौन है भक्त कौन है कहते जिनी कृष्ण सुखर जन्य निजेर सुख जलांजलि देन हैं कहते भक्त उससे कहते हैं जो भगवान की सुख के लिए अपना सुख को जलांजलि देता है जो हर समय कृष्ण कैसे प्रसन्न हम उनको कैसे खुश करें उनको कैसे खुश करें हाँ जिनकी खुश में अपना सुख को जो संपूर्ण त्याग देता है जैसे हनुमत लाल जी हैं ठाकुर को सेवा करने के लिए जाना पर ठाकुर का सेवा ही हनुमान का विश्राम है ठाकुर की सेवा ही विश्राम है। इसलिए भगवान की सुख के लिए अपना सुख को वो नहीं देखते हैं देखते हैं कृष्ण कैसे उनको कैसे खुश कर पाए हाँ उनकी खुश के लिए जो जलांजलि देते हैं जिन्हें कृष्ण सुखार्थ भोग त्याग करें निरंतर कृष्ण सेवा नियुक्त थकते पारे तीन भक्त तारी मंगल है। बोले भक्त कौन है बोले भक्त बनना बड़ा सकत है हाँ भक्त बनना बड़ा सकत है कहते जिन्हें कृष्ण सुखार्थ भोग त्याग करे कृष्ण सुख के लिए अपना सारे भोग को जो त्याग कर देते हैं हाँ? जैसे आप लोग जैसे सबर सब लोग भगवान मंगल आरती करना ठाकुर परिक्रमा करना जैसे हमारी दीदी सबर से पड़ोसी बना भक्तों की सेवा भगवान की सेवा करना इसलिए कहते हैं जो भगवान की सेवा के लिए अपना सुख जो त्याग दे देते हैं देखेंगे कृष्ण को कैसे खुश करें वैष्णव को गुरु जी को कैसे उनको कैसे आप प्रसन्न कर सके इसलिए जब उनकी सुख के लिए करोगे तो भगवान तुम्हारे सुख के लिए भी चिंता करेंगे हैं निरंतर कृष्ण सेवा निजुक्त थकते पारे हर समय कृष्ण सेवा में दिन रात उनकी खिलाओ उनको पिलाओ उनको पूजा करना उनके लिए माला बनानी उनके लिए मंदिर साफ करना उनकी संपूर्ण उनकी सेवा में जो संपूर्ण अपने आप को जीवन लगा देते हैं बोले वही भक्त हैं भगवान की सुख के लिए जो करते हैं तो उनका जरूर जीवन में मंगल होएगा। कृष्ण के सुख दीवार प्रवृत्ति ही भक्ति बोले भक्ति कहते हैं किसको बोले कृष्ण को कैसे हम सुख प्रदान करें हाँ कभी इसको ही कहते हैं भक्ति। इसलिए बोले अनुकूल्यन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तमा बोले उत्तमा भक्ति क्या है बोले अनुकूल्यन कृष्णानुशीलन मतलब कैसे हम कृष्ण को हम सुख प्रदान करें हैं कैसे उनको सुख प्रदान करें कद ये प्रवृत्ति भक्ति बोले स्वसुख कामी हुए निज सुखे थाकबो एटा अभक्ति। कहता अगर कोई बोले अरे भगवान की उठ कर कौन सेवा पूजा करता है अरे सोते रहो कोई बात नहीं देखा जाएगा हैं भगवान जो खाए थे हमारे क्या हो इसलिए यहाँ कह रहे हैं स्वसुख कामी हुए खुद कैसे हम सुख में रहेंगे खाएंगे पिएंगे अपना सुख में सर्वदिन चिंता ठाकुर का सुख के लिए कोई
जिनकी चिंता नहीं, यदि अभक्ति, इसको हम भक्ति नहीं कहते, इसको अभक्ति कहते हैं। कहते इतने दुख ही हवे, फिर जो भगवान की सुख का त्याग दे करके केवल अपना अपना सुख जो करते हैं ना, कहते भैया उनको जीवन में शांति सुनते हैं, लेकिन उनको शांति किसको मिलेगी, भगवान के सुख में सुखी, जो भगवान की सुख धन में जिनकी प्रवृत्ति है, जो भगवान के लिए सुख देने के लिए कोशिश करोगे, भगवान भी देखेंगे भैया दिन रात मेरी भक्ति में लगा हुआ मेरे सुख को देने के लिए, फिर हमारे सुख को फिर वो भी देखेंगे, हमारे सुख को देखेंगे। कृष्ण से जे संसारी हो स्त्री संभव कर वो एटा अभक्तर विचार ए रूप अभक्तर आदर्श न लिए भक्तर आदर्श अनुप्राणित हो मंगल। इसलिए जो अभक्तों का जो विचार को परित्याग करके हम किसकी विचार ग्रहण करें, जो भक्त है भगवान की, जो शुद्ध भक्त है, उन लोगों ने जैसे भगवान को सेवा की, उनकी पूजा की, ठाकुर जी को सुख प्रदान किए, तो शुद्ध भक्तों का आदर्श हमें ग्रहण करनी चाहिए। निज के सतत कृष्ण सेवा निजुक्त ना थाकिले भोगी व त्यागी हुए हवे भक्त हुआ जावे ना। इसलिए कहते भक्तों क्या करनी चाहिए, हर समय कृष्ण सेवा में हमें निजुक्त, हर समय कृष्ण सेवा में निजुक्त। अरे थोड़ी सी दे दो।